Good morning, dear students. Here is our maths first chapter, and the name of chapter is Building with Bricks, from which we choose a topic, brick and its pattern. सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिक हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरह हेल्प करती है. अब ये देखिए, विद द हेल्प ऑफ ब्रिक वी कैन मेक अ वॉल एंड ऑल्सो वी कैन मेक अ हाउस. ब्रिक की हेल्प से हम एक वॉल बना सकते हैं, ब्रिक की हेल्प से हम एक घर भी बना सकते हैं. नाउ वी विल सी हाउ ब्रिक हेल्प अस इन मैथमेटिक्स, कि मैथ्स में ब्रिक हमारी किस तरह से हेल्प करती है ये अब हम पढ़ने वाले हैं. वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द शेप ऑफ ब्रिक. द नेम ऑफ शेप इज क्यूबॉइड. जिस तरह जो ब्रिक की शेप होती है वो कैसी शेप होती है, एक क्यूबॉइड शेप होती है. अब देखिए क्यूबॉइड शेप्स के मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाती हूँ. ये देखिए क्यूबॉइड शेप के बहुत सारे एग्जांपल, एक मैच बॉक्स है, आपके घर में ओवन भी होगा, एक ये बॉक्स मेकअप बॉक्स हैं, टूथपेस्ट के बॉक्स हैं, क्रीम के बॉक्स हैं. ऑल दीज शेप्स आर क्यूबॉइड शेप्स. ये सारी की सारी शेप्स कैसी हैं, क्यूबॉइड शेप्स हैं. इसका मतलब ब्रिक जैसी दिखने वाली जो भी शेप्स होंगी उन सब शेप्स को हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड शेप्स. उसके बाद है क्यूबॉइड हैज सिक्स फेसेस लाइक ब्रिक. जिस तरह हम लूडो खेलते हैं उसमें डाइस में अगर हम मार्क करते हैं तो हमारी नंबरिंग सिक्स तक जाती है, सेम एज इट इज़ अगर हम ब्रिक पे मार्क करेंगे तो भी हमारी नंबरिंग कहाँ तक जाएगी, सिक्स तक जाएगी. तो इसलिए ब्रिक में भी कितने फेसेस होते हैं, देर आर टोटल सिक्स फेसेस इन अ ब्रिक. थर्ड वन इज नंबर ऑफ वर्टिसेस. वर्टिसेस इज ऑल्सो नोन कॉर्नर. हम वर्टिसेस को क्या भी कहते हैं, कॉर्नर भी कहते हैं. सो देयर आर एट कॉर्नर्स इन अ ब्रिक और एट कॉर्नर इन अ क्यूबॉइड शेप. चार कॉर्नर ऊपर की तरफ और चार कॉर्नर नीचे की तरफ. सो एवरी क्यूबॉइड शेप हैज़ टोटल एट कॉर्नर्स. फिर है नंबर ऑफ एजेस. सबसे पहले हम बात करते हैं एजेस होता क्या है. एजेस अ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर्स. जो डिस्टेंस दो कॉर्नर को मिलाता है, दो कॉर्नर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज द एज. सो देर आर टोटल 12 एजेस इन अ ब्रिक और टोटल एजेस इन एनी क्यूबॉइड शेप. किसी भी क्यूबॉइड शेप में टोटल कितने एजेस होते हैं, टोटल 12 एजेस होते हैं. ये आपको येलो कलर का मार्क बना के भी दिखाया गया है, ये क्या है, आपकी ब्रिक का एज है. उसके बाद है अ क्यूबॉइड हैज़ थ्री डायमेंशंस. कि क्यूबॉइड शेप्स जितनी भी होती हैं उनकी थ्री डायमेंशंस होती हैं, उनमें तीन चीज़ें होती हैं, दैट इज़ लेंथ, विड्थ एंड हाइट. आपको फोटो में पिक्चर में अलग से दिखाया गया है विच वन इज़ विड्थ, विच वन इज़ हाइट एंड विच वन इज़ लेंथ. नाउ डिफरेंट व्यू ऑफ अ ब्रिक. ये हमने थर्ड क्लास में भी पढ़ा है, डिफरेंट व्यू ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कि अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग व्यू से देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देती हैं. सेम उसी तरह ब्रिक के भी तीन व्यू हम डिफाइन कर सकते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू. जो सबसे ऊपर वाला व्यू होता है जिस पे कुछ लिखा भी रहता है, समथिंग इज मार्क ऑन दैट पर्टिकुलर फेस इज टॉप व्यू ऑफ अ ब्रिक. एंड विच साइड हैव बिग रेक्टेंगल, बिगर विच साइड हैज़ अ बिगर रेक्टेंगल, दैट इज़ योर फ्रंट व्यू. जहाँ पे एक बड़ा रेक्टेंगल होता है वो आपका कौन सा व्यू होता है, फ्रंट व्यू होता है, एंड द स्मॉल रेक्टेंगल इज योर साइड व्यू. नाउ पैटर्न ऑफ द ब्रिक, ये आपकी बुक में भी दिया गया है. देखिए कितने सुंदर सुंदर पैटर्न है जो ब्रिक की हेल्प से बनाए हैं. उसके बाद है ये भी आपकी बुक में है, ब्रिक मेकिंग की, ब्रिक कैसे बनाई जाती है, ये उसका एक पिक्चर है. नाउ एक्सरसाइजेज, ये आपको आपकी नोटबुक में करनी है. आपको पीडीएफ में, इस पीडीएफ में जितना कुछ भी स्टार्टिंग से लिखा है वो सारा भी अपनी नोटबुक में करना है, और उसके बाद ये एक्सरसाइजेज भी आपको नोटबुक में करनी है. ये एक्सरसाइजेज आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में भी हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल. आपको सारे पिक्चर्स केयरफुली देखने हैं और पता करना है विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल, कि कौन सा ब्रिक पैटर्न आपको सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है और आपको वहाँ पे क्या लिखना है, उसका आंसर लिखना है. सेकंड इज इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाउस. अगेन योर थर्ड क्लास टॉपिक, आपने पढ़ा है मिरर हाउस क्या होता है. इफ वी ड्रॉ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन और एनी वर्टिकल लाइन ऑन एनी शेप, देन द सेम टू part of object or part of picture
अपीयर, अगर किसी एक पिक्चर में हम कोई हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं या एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो पिक्चर को दो सेम भाग में, दो सेम पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दैट इज मिरर हाफ्स एंड द लाइन, तो आपको उसी तरह देखना है कि किस फ्लोर पैटर्न में अगर आप लाइन्स ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे एक आपको मिरर हाफ मिलता है। थर्ड क्वेश्चन, नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स, यहाँ पे आपको खुद से कोई फ्लोर पैटर्न ड्रॉ करने हैं। एक्सरसाइज नंबर टू, हाउ मैनी फेसेस ऑल डज अ ब्रिक हैव, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। इन इज एनी फेस अ स्क्वेयर, क्या ब्रिक में कोई फेस स्क्वेयर होता है, दिस इज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक, आपको ब्रिक का सबसे स्मॉल फेस कौन सा है वो आपको बताना है, ये भी हमने अभी पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है। विच ऑफ दीज आर द फेसेज ऑफ अ ब्रिक, मार्क अ टिक, आपको टिक करना है कि इनमें से कौन सा फेस आपको ब्रिक का लग रहा है, ये जितनी भी फेसेज बने हुए हैं तो आपको मार्क करना है। अब है एक्सरसाइज नंबर थ्री, विच ऑफ दीज इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक, आपको इन सब ड्रॉइंग में से ब्रिक की ड्रॉइंग कौन सी लग रही है उस पर आपको टिक करना है। मेक अ ड्रॉइंग ऑफ दिस बुक बॉक्स टू शो थ्री ऑफ इट्स फेसेस, आपको इस बॉक्स की इस तरह से एक शेप बनानी है जिससे उसके कितने पार्ट्स दिखे, कितने फेसेस दिखे, थ्री फेसेस दिखे। देखो ऊपर वाले बॉक्स में जो शेप नंबर फोर है उसके थ्री फेसेस दिख रहे हैं, सेम एज इट इज यू हैव टू ड्रॉ द शेप ऑफ दिस ज्योमेट्री बॉक्स टू शो इट्स थ्री फेसेस। नाउ लास्ट क्वेश्चन, कैन यू मेक अ ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक विच शो फोर ऑफ इट्स फेसेस, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी चीज़ के चारों फेसेस दिखा सकते हैं, तो इसका भी आपको आंसर इसमें लिखना है, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आपको मुझसे पूछ लेना है, और इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।